So, hello everyone, welcome back to the channel. So बच्चों लोग आपकी काजल मैम स्वागत करती है आप सभी का आपके अपने इस चैनल के ऊपर. So, बच्चों आज अपने अकाउंटेंसी की क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 4 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. आज हम करने वाले हैं इसका बिल्कुल लास्ट टॉपिक विच इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल. और लास्ट टॉपिक होने के साथ साथ ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि हमारे एग्जाम में जो 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं उसमें से एक क्वेश्चन हमें इस टॉपिक में से बहुत बार देखने को मिला है. सो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. तो चलिए फटाफट से आप लोग अपना रजिस्टर पेन और बुक को रेडी रखिए और हम स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास. सो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ऑलरेडी ये वाला टॉपिक हमने चैप्टर नंबर 3 में कवर अप किया है जहां पर हमने सीखा था कि किस तरीके से पुरानी कैपिटल्स को न्यू रेशो में एडजस्ट किया जाता है. बिल्कुल वैसी ही एडजस्टमेंट हमें यहाँ पर भी करनी है. ये जो ये वाली एडजस्टमेंट है हमारी ये तो बिल्कुल वैसी है जैसे हमने चैप्टर नंबर 3 में यूज करी है, तो इसको समझने में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. तो वहां का थोड़ा सा बेस इस्तेमाल करते हुए हम इस वाली एडजस्टमेंट को बहुत आसानी से समझ लेंगे. तो हमारे पास ये 2 तरीके की कैपिटल एडजस्टमेंट है जो हमें इस चैप्टर के अंदर सीखनी है. एक में ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल निकालनी है तो दूसरे में नए पार्टनर की कैपिटल निकालनी है. अब आपको कैसे पता चलेगा कि भाई कौन सी कैपिटल एडजस्टमेंट है? सिंपल सी बात है, अगर आपको न्यू पार्टनर्स कैपिटल कैलकुलेट करनी है तो आपको क्वेश्चन में नए पार्टनर कैपिटल गिवन ही नहीं होगी, बट यहाँ पे आपको न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन होगी तो ऐसे भी आपको पता चल सकता है. दूसरा, यहाँ पर उन्होंने लिखा होगा कि आपको पुराने पार्टनर्स की कैपिटल को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है, व्हिच मींस कि नए पार्टनर के आ जाने की वजह से आप अपनी कैपिटल्स को चेंज करना चाहते हो. क्यों? क्योंकि नए पार्टनर की वजह से आपने यहाँ पे कुछ न्यू रेशियो कैलकुलेट करी, तो आपको उसी न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करना है. अब मैं सिंपल तरीके से बोलूं तो न्यू कैपिटल निकालनी है ओल्ड पार्टनर्स की, न्यू कैपिटल निकालनी है ओल्ड पार्टनर्स की, तो वो हमारी ये वाली एडजस्टमेंट होगी जहां पर आप इस चीज को एडजस्ट करोगे कैश, बैंक या करंट अकाउंट के थ्रू. बट वहीं पे आपको इस वाली एडजस्टमेंट के अंदर न्यू पार्टनर की कैपिटल ही फाइंड आउट करनी है. और वो आप कैसे फाइंड आउट कर पाओगे? ओल्ड पार्टनर की कैपिटल के अकॉर्डिंग. वहां पर आपको ओल्ड पार्टनर की कुछ एडजस्टेड कैपिटल मिलेगी, उसके अकॉर्डिंग ही आप नए पार्टनर की कैपिटल कैलकुलेट कर पाओगे. तो अभी सिर्फ सिंपल सा इतना ध्यान रखो कि हमें एक तरफ निकालनी है ओल्ड पार्टनर कैपिटल तो दूसरी तरफ निकालनी है न्यू पार्टनर्स कैपिटल. सो आज हम डिस्कस करेंगे अपनी एडजस्टमेंट नंबर 1 के बारे में जहां पे हमें निकालनी होती है न्यू कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स. तो किस तरीके से न्यू कैपिटल्स निकाली जाएंगी ओल्ड पार्टनर्स की, तो उसके लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स है. बहुत सिंपल है ये कैलकुलेट करना. देखो क्योंकि यहाँ पे हमें ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को न्यू रेशो में एडजस्ट करना होता है तो इसलिए हमारा जो पहला स्टेप रहेगा वो यही कि हम फाइंड आउट करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको न्यू रेशो गिवन है तो बहुत ही अच्छी बात है, बट अगर आपको क्वेश्चन के अंदर न्यू रेशो गिवन नहीं है तो आपने मेरे साथ फर्स्ट क्लास में ही हर तरीके से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करना सीखा है. और अगर अभी भी किसी को नहीं कैलकुलेट करना आता है तो बच्चे प्लेलिस्ट पे जाकर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की जो फर्स्ट वीडियो है वो जाकर आप देख लीजिए, आपको न्यू रेशो कैलकुलेट करना आ जाएगा. तो आपको सबसे पहले न्यू रेशो कैलकुलेट करनी है, उसके बाद आप निकालेंगे टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म. अब क्योंकि हम यहाँ पर अपनी कैपिटल को एडजस्ट करने वाले हैं एज पर द न्यू रेशो, और वो न्यू रेशो किसकी वजह से हमने कैलकुलेट करी है? क्योंकि हमारी फर्म में एक नया पार्टनर एडमिट हुआ है तो यहाँ पर जो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म है वो भी हम नए पार्टनर की कैपिटल के अकॉर्डिंग ही निकालेंगे. तो यहाँ पर आप टोटल कैपिटल कैसे फाइंड आउट करोगे? न्यू पार्टनर्स कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, which means कि सपोज करिए कि जो नया पार्टनर है वो 60,000 की कैपिटल लेकर आता है और फर्म में उसका जो शेयर है वो है 1/3. तो ऐसे में हमारी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म क्या हुई? 60,000 into 3/1. आपने उसके शेयर को रेसिप्रोकल कर दिया है तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म मिलेगी आपको ₹1,80,000. अब सपोज करिए कि आपकी जो न्यू रेशो है वो है 1:1:1, तो आपका तीसरा काम अब यही होगा कि ये जो आपने टोटल कैपिटल निकाली है उसे आपको न्यू रेशो में डिवाइड करना है. जैसे कि 1,80,000 को अगर आप इक्वली डिवाइड करेंगे तो सबकी कैपिटल निकल कर आ जाएगी 60,000, 60,000 और 60,000, और यही आपकी न्यू कैपिटल कहलाएगी ऑफ ओल्ड पार्टनर्स. ठीक है, सो स्टेप समझ आ गए होंगे. तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन जिसके थ्रू आपको पूरी तरीके से ये बात क्लियर हो जाएगी कि कैसे नए पार्टनर की कैपिटल से पुराने पार्टनर की न्यू कैपिटल्स फाइंड आउट की जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो बच्चों हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 72। चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें कैसे पता चलेगा कि यह कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन इज, कल्पना एंड कनिका वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1। दे एडमिट Karuna एज अ पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट्स। Karuna was to bring 60,000 for his capital, and the balance sheet of Kalpana and Kanika as at 1st April 2024, the date on which she was admitted was. अब स्टार्टिंग की लाइन से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है कि कल्पना और कनिका ऑलरेडी एक पार्टनर्स थे फर्म के अंदर, 3:2 में प्रॉफिट और लॉस शेयर कर रहे थे। उन्होंने अपनी फर्म में Karuna को एडमिट किया है 1/4 शेयर के लिए, और आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिली है कि 60,000 की कैपिटल Karuna लेकर आई है। आपको बैलेंस शीट दे रखी है और नीचे लिखा है द अदर टर्म्स अग्रीड अपॉन, आपको गुडविल ऑफ द फर्म दे रखा है, और यहाँ पर हमारे पास कुछ रीवैल्यूएशन के पॉइंट्स हैं। तो वन बाय वन हम यहाँ पर इसको रीड कर लेते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग वर वैल्यूड एट 65,000, प्लांट एंड मशीनरी एट 60,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स फाउंड इन एक्सेस बाय 400, लायबिलिटी ऑफ 1,200 इंक्लूडेड इन सिंडिकेटर्स वाज नॉट पेएबल। The capital of the partners be adjusted on the basis of Karuna's contribution of capital of the firm. अब ये कुछ अलग सा पॉइंट हमें यहाँ देखने को मिला। एक बार और इसको रीड करते हैं। The capitals of the partners be adjusted on the basis of Karuna's contribution of capital to the firm. क्या बोला उन्होंने क्वेश्चन के अंदर कि हमें अपने पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करना है उस बेसिस पर जिस तरीके से Karuna, जो कि न्यू पार्टनर है आपके बिजनेस के लिए, उसने अपनी कैपिटल का कंट्रीब्यूशन किया है। Which means कि Karuna ने जितने शेयर से फर्म में एंटर किया वो उतने ही शेयर के लिए अपनी कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रही है। तो बाकी पार्टनर्स भी चाहते हैं कि हम भी अब न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग ही अपनी कैपिटल को एडजस्ट कर लें। सो बच्चे यहां से आपको पता चलता है कि कौन सी कैपिटल एडजस्टमेंट है। उसके बाद 5th पॉइंट में लिखा है एक्सेस और शॉर्टफॉल इफ एनी ट्रांसफर टू द करंट अकाउंट। अब जब आप यहाँ पे अपनी कैपिटल्स को चेंज करेंगे और आप एक नई कैपिटल निकालने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं पुरानी कैपिटल ज्यादा होगी या हो सकता है नई कैपिटल ज्यादा होगी, तो कुछ एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। एक्सेस और शॉर्टफॉल कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि जो भी एक्सेस और शॉर्टफॉल होगा वो आप इनके करंट अकाउंट से एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये तो कैपिटल अकाउंट की बात हो गई कि जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे ये सब चीजें हमें तब एडजस्ट करनी है। फिलहाल हमें बनाना है रीवैल्यूएशन अकाउंट, और रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम करते हैं एसेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यू। तो जरा पॉइंट्स पर आते हैं एक बार फिर से। लैंड एंड बिल्डिंग वर वैल्यूड एट 65,000। उन्होंने कहा लैंड एंड बिल्डिंग 65,000 की हो गई है, एट लिखा है, इतनी हो गई है। पहले कितने की थी? 40,000 की। 40,000 से आपकी लैंड एंड बिल्डिंग 65,000 की हो गई है, which means कि आपकी लैंड एंड बिल्डिंग 25,000 से बढ़ गई है। तो हम सारे फायदे लिखते हैं क्रेडिट साइड में और नुकसान लिखते हैं डेबिट साइड में। तो फिलहाल हमें फायदा हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग से, तो यहाँ हमने लिख दिया है लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट 25,000 से, जितने से हमें फायदा हुआ। उसके बाद लिखा है एंड प्लांट एंड मशीनरी एट 60,000। उन्होंने कहा इसी तरीके से प्लांट एंड मशीनरी 60,000 की हो गई है, पहले थी 70,000 की। अब यहाँ प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू हो गई है कम, तो 10,000 से आपको हो गया नुकसान। तो उस नुकसान को आप रिकॉर्ड करेंगे टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 10,000। ठीक है, नेक्स्ट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाज फाउंड इन एक्सेस बाय 400। अब इसका क्या मतलब है? उन्होंने कहा कि आप बैलेंस शीट में देखो आपको कुछ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दिख रहे हैं। कितने के दिख रहे हैं वो हमें डाउटफुल डेट्स? हमें दिख रहे हैं वो डाउटफुल डेट्स 1,000 के। उन्होंने कहा 400 रुपए से ज्यादा बनाए हुए हैं। अब बच्चे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आप क्यों बनाते हो? आप बनाते हो उन्हें कि जब आपको शक होता है अपने कुछ डेटर्स के ऊपर कि शायद वो हमें पैसा नहीं देंगे, which means कि आपके डेटर्स के कम होने के चांसेस होते हैं। बट यहाँ उन्होंने कह दिया कि आपको लगता था ना कि आपको 1,000 का नुकसान हो जाएगा, 400 से अपने नुकसान को कम कर लो। अब आपका नुकसान अब 400 से नहीं होने वाला है, 600 से बना के रखो बस अपना प्रोविजन। तो यहाँ हमें 400 का हुआ फायदा, which means कि हमें अब ये 400 रुपए मिलने के चांसेस हो गए हैं। तो फायदा है तो उसे आप कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट साइड में। तो आप लिखोगे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। बाय में हम सीधे अमाउंट लिखते हैं और एट या टू में हम डिफरेंस करके लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अ लायबिलिटी ऑफ 1,200 इंक्लूडेड इन द सन्ड्री क्रेडिटर्स वाज नॉट पेबल। 1,200 रुपए की एक लायबिलिटी जो सन्ड्री क्रेडिटर्स में आपने लिखी हुई है अब आपको पे नहीं करनी। लिख लायबिलिटी पे नहीं करनी, फायदा है तो फायदे कहाँ लिखते हैं हम? क्रेडिट साइड में। तो आप लिखेंगे बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट। कितने से आपको फायदा हुआ है? 1200 से। ठीक है, अब तो कैपिटल्स की बात आ चुकी है, ऊपर कोई ऐसा फंड वगैरह भी नहीं था जो हमें चीजें देखनी हो। तो हमने सारी एंट्रीज यहाँ पर रिवैल्यूएशन की कर दी हैं। क्रेडिट साइड में सारे फायदे लिख दिए हैं, डेबिट साइड में सारे नुकसान। अब आपको दिख रहा है कि फायदों की साइड ज्यादा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे प्रॉफिट रहा होगा, तो आप लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स। किस किस के कैपिटल अकाउंट्स? पुराने चीज, पुराने पार्टनर, पुरानी रेशो। कल्पना और कनिका। ठीक है, तो जरा टोटल कर लेते हैं पहले। तो यहां पर टोटल आ रहा है 26,600 इस साइड का, उसमें से आपने 10,000 माइनस किया तो ये आ जाएगा 16,600। अब 16,600 को आप बांटोगे इनकी ओल्ड रेशो में विच इज 3:1, तो ये आएगा आपका 12,450 और 4,150। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट तो हो गया है हमारा कंप्लीट। अब हम चलते हैं अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की तरफ। सो बच्चों, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले हम लोग अपना वर्किंग नोट प्रिपेयर कर लेते हैं। तो आप भी क्या करिएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए थोड़ा सा स्पेस छोड़ दीजिएगा, फिर उसी के नीचे में बैलेंस शीट बनानी है। तो इस तरीके से अपने स्पेस को थोड़ा सा एडजस्ट करने के बाद आप वर्किंग नोट अपना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हमने जैसे कि स्टेप्स में सीखा कि सबसे पहले हमें चाहिए होती है न्यू रेशो। तो क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमें ओल्ड रेशो गिवन है, सिर्फ हमें उन्होंने बता दिया था कि जो ओल्ड रेशो है हमारे पार्टनर्स की वो 3:1 है, और जो आपका नया पार्टनर है करुणा उसको आप 1/4 शेयर दे रहे हो। सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास क्वेश्चन में, विच मीन्स कि हमें नहीं पता कि करुणा को इसका 1/4 शेयर कौन दे रहा है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, हम लेकर चलते हैं लेट द शेयर बी 1। हमने मान लिया कि पूरा शेयर 1 है, उसके बाद हम निकालते हैं रिमेनिंग शेयर ऑफ कल्पना एंड कनिका। कैसे निकलता है? 1 - 1/4 विच इज इक्वल्स टू 3/4। अब आपने क्या करना है, अब आप निकालेंगे कल्पनास न्यू शेयर। कैसे? इसी 3/4 को आप डिवाइड करेंगे उनकी ओल्ड रेशो में, तो इसको 3/4 शेयर ही मिलेगा विच मीन्स 9/16। लाइकवाइज आप कनिका के लिए भी न्यू रेशो कैलकुलेट करेंगे, इसी 3/4 को 1/4 में 3/16, और भाई करुणा के लिए तो जस्ट हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम करना है। तो 1/शेयर उसका ऑलरेडी था, तो ये आ गया है 4/16। तो हमारी न्यू रेशो निकल कर आ चुकी है 9:3:4। तो हमारा पहला स्टेप तो हो गया फटाफट से कि न्यू रेशो हमने कैलकुलेट कर ली है। ठीक है बच्चे, अब हमें सेकंड काम क्या करना है, हमें कैलकुलेट करनी है टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। वो कैसे कैलकुलेट होगी? न्यू पार्टनर्स कैपिटल। न्यू पार्टनर की कैपिटल कितनी हमारे पास क्वेश्चन के अंदर 60,000 इंटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। तो उसका शेयर है फर्म के अंदर 1/4, तो हमने रेसिप्रोकल किया तो आया 4/1। फर्म की कैपिटल निकल कर आई है 2,40,000। ठीक, सेकेंड स्टेप भी हो गया हमारा। अब हम आते हैं अपने थर्ड स्टेप की तरफ। थर्ड स्टेप के अंदर हमें क्या करना है, इसी कैपिटल को हमें न्यू रेशो में बांट देना है। तो हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं न्यू कैपिटल्स ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। कैसे? हम निकालेंगे सबसे पहले कल्पनास न्यू कैपिटल 2,40,000 इंटू न्यू रेशो है हमारी 9/16, तो ये आ जाएगा आपका 1,35,000। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ आएगा 15,000, 15,000 इंटू 9 1,35,000। इसी तरीके से आप कनिका की भी न्यू कैपिटल कैलकुलेट करोगे तो ये भी आएगी आपकी 2,40,000 इंटू 3/16। उसका शेयर 3/16 है, तो यहाँ पर उसकी कैपिटल निकल कर आएगी 45,000। ठीक है, तो ये आपने अपने ओल्ड पार्टनर्स की न्यू कैपिटल फाइंड आउट कर ली है। अगर आप यहाँ पे करुणा की कैपिटल भी एक बार चेक करते हो तो वो बिल्कुल सेम ही आएगी, भाई उससे ही तो आपने कैलकुलेट किया न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म। तो अगर आप यहाँ निकाल कर भी देखते हो, आप यहाँ पर उसके न्यू शेयर के अकॉर्डिंग, तो वो तब भी 60,000 ही आएगा। ठीक है, तो इससे आपका टैली भी हो जाता है आंसर। तो ये हमारे 3 स्टेप्स थे जिससे हमने सीखा कि किस तरीके से न्यू कैपिटल फाइंड आउट की जाती है। पहले हमने न्यू रेशो कैलकुलेट किया, उसके बाद हमने टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकाली किस तरीके से, न्यू पार्टनर्स कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ ए शेयर, उसके बाद उसी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म को हमने न्यू रेशियो में बांट दिया है। ठीक है, एक तो ये तरीका है, ये थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है। मैं आपको एक और मेथड समझा सकती हूँ जिसके अंदर विदाउट कैलकुलेटिंग दिस न्यू रेशियो भी आप न्यू पार्टनर्स कैपिटल निकाल सकते हो। ठीक है, तो आप सीख लो। एक तो ये मेथड भी मैंने आपको सिखा दिया है, मैं वो दूसरा मेथड भी आपको सिखा रही हूँ, आप चाहें तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको मेथड नंबर 2 बताती हूँ कि कैसे एक शॉर्टकट मेथड के थ्रू आप बिना न्यू रेशियो निकाले भी आप न्यू कैपिटल्स ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सो बच्चे जो मैं आपको शॉर्टकट मेथड बता रही हूँ, पहली बात तो ये मेथड सिर्फ आप तभी इस्तेमाल करेंगे जब आपको दिख रहा है कि ओल्ड रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बराबर है, यानी कि जो हमारा फर्स्ट केस था न्यू रेशियो का कैलकुलेट करने का, जहां पर सिर्फ आपको ओल्ड रेशियो गिवन थी और न्यू पार्टनर शेयर गिवन था। अगर कभी क्वेश्चन में कोई दूसरी कंडीशन आ गई, विच मीन्स कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो के लिए कुछ अलग से क्वेश्चन में कंडीशन आ गई है, सिचुएशन आ गई है, तो प्लीज आप ये वाला मेथड अप्लाई मत करिएगा। ठीक है, इन दैट केस आप जो मैंने आपको इससे पहले 3 स्टेप्स बताए हैं कि पहले आप न्यू रेशियो ही कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके बाद टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म को उस न्यू रेशियो में डिवाइड कर देंगे। बट हाँ, अगर आपके पास इंफॉर्मेशन सिर्फ इतनी है कि आपके पास ओल्ड रेशियो गिवन है, न्यू पार्टनर का शेयर गिवन है, वहां अगर आपको न्यू कैपिटल्स निकालनी है ओल्ड पार्टनर की, तो मैं उसका आपको एक शॉर्टकट प्रोवाइड कर रही हूँ। ठीक है, शॉर्टकट इसलिए दे रही हूँ क्योंकि समटाइम्स एमसीक्यू में भी न्यू कैपिटल्स निकालनी होती है, तो अब ऐसे में आप न्यू रेशियो कैलकुलेट करो तो वो तो बहुत लंबा चौड़ा काम हो जाएगा, तो इसलिए मैं आपको एक शॉर्टकट बता रही हूँ। तो देखो, ये वाला स्टेप तो आपको परफॉर्म करना ही है कि आपको टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कैलकुलेट करना है। मैंने आपको वो वाला स्टेप हटा दिया कि आप पहले न्यू रेशियो फाइंड आउट करोगे। अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, आपको निकालनी है रिमेनिंग कैपिटल किसकी, ऑफ ओल्ड पार्टनर्स की। भाई एक बात बताओ, ये टोटल कैपिटल जो है 2,40,000 की, ये तीनों पार्टनर्स की है ना, उसमें से अगर मैं नए पार्टनर की कैपिटल हटा दूं जो कि 60,000 है, तो बची हुई कैपिटल किसकी है, बची हुई कैपिटल है हमारे पुराने पार्टनर की। अब आप यहाँ पर इस बची हुई कैपिटल को ही अपने पुराने पार्टनर्स में बांट दो उनकी पुरानी रेशो में, जो उनकी पुरानी रेशो रही है। तो अगर आप यहां पर भी सॉल्व करेंगे तो आपको वही कैपिटल मिलेगी जो आपने वहां पर फाइंड आउट करने की कोशिश करी है। देखिए बच्चे, बिल्कुल सेम आंसर आएगा आपका। तो आपको न्यू रेशियो कैलकुलेट नहीं करनी पड़ी, आपने क्या किया, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकाली, आपने रिमेनिंग कैपिटल निकाली ओल्ड पार्टनर की। क्या किया, इस टोटल कैपिटल में से नए पार्टनर की कैपिटल हटा दी, क्योंकि उसकी कैपिटल तुम्हें पता ही है। बेसिकली हमें 1,80,000 ही तो बांटने हैं, किसके बीच में बांटने हैं, पुराने पार्टनर्स के बीच में बांटने हैं। तो पुराने पार्टनर पुरानी रेशियो में ही तो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, पुराने पार्टनर अपनी जो न्यू रेशियो कंटिन्यू करने वाले हैं वो किस तरीके से करने वाले हैं, अपने ओल्ड रेशियो में ही कंटिन्यू करने वाले हैं। हमने जो न्यू रेशियो निकाली भी उनकी, वो क्या निकाली, 9:3:4। अगर मैं इसको हटा दूं, सिर्फ इन दोनों की ही न्यू रेशियो देखूं, तो आप देखो ना, ये 3:1 ही तो आ रही है। तो आपने यही तो किया है, 3:1 में इनकी न्यू कैपिटल को बांटा है। तो ये लेकिन सिर्फ तभी होगा जब आपकी ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगी। अगर आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो के लिए अलग से कोई कंडीशन गिवन है क्वेश्चन में, तो इस तरीके से आप कैलकुलेट नहीं करेंगे। ठीक है बच्चे, तो मैंने आपको बता दिया है एक शॉर्टकट मेथड भी कि विदाउट कैलकुलेटिंग न्यू रेशियो भी आप न्यू कैपिटल्स फाइंड आउट कर सकते हो। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही आप उनकी जो कंबाइंड कैपिटल है वो डिवाइड कर दो। ठीक है, सो ये वाला मेथड भी आप नोट डाउन कर लो कि अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है तो आप इस मेथड से फटाफट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सो बच्चों अब बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैंने ऑलरेडी आपको लास्ट क्लास में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है, डेबिट साइड में क्या लिखते हैं, क्रेडिट साइड में क्या लिखते हैं, मैंने वो सारा आपको इन डिटेल बता दिया था। ठीक है, तो बस आज हम अपनी उसी नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। बिल्कुल सिंपल है, बेसिक चीजें बिल्कुल सारी सेम है, बस एक जो कैपिटल एडजस्टमेंट है हमें बस उस चीज के ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, तो बच्चे सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, सबसे पहला हमारा काम होता है जी बैलेंस ट्रांसफर करना, इनका खाता खोलना। तो यहाँ जब हम इनका बैलेंस ट्रांसफर करेंगे तो आपको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में कल्पना का बैलेंस दे रखा है 50,000 और कनिका का बैलेंस दे रखा है 80,000। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम बैलेंस शीट को ही लेकर चलते हैं और उसी में से जो पुरानी चीजें हैं पुराने पार्टनर में पुरानी रेशियो में हम बांट कर ही चलेंगे। तो लायबिलिटी साइड में मुझे यहाँ पर जनरल रिजर्व दिख रहा है 10,000 रुपए का। तो पहले इस 10,000 रुपए के जनरल रिजर्व को ही हम बांट देते हैं, किसके बीच में बांटेंगे, पुराने पार्टनर पुरानी रेशो पुराना अमाउंट, ठीक है। सो 10,000 को जब आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:1 में, तो वो आपके निकल कर आएगा 7,500 और 2,500। अब एसेट साइड में अगर मैं देखूं तो मुझे किसी तरीके का कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं दिख रहा है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस नहीं है, कोई गुडविल नहीं है पुरानी जो हमें राइट ऑफ करनी हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब बैलेंस शीट के नीचे वाले पॉइंट्स की तरफ अगर हम आए तो क्वेश्चन में दे रखा है गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 24,000। बच्चे जब आप ऊपर से क्वेश्चन को रीड कर रहे थे तो वहां पर उन्होंने ये तो लिखा कि करुणा अपनी कैपिटल लेकर आएगी, बट कहीं पर भी ये नहीं लिखा था कि वो अपने गुडविल भी लेकर आएगी। विच मीन्स कि हम ये कौन सी वाली सिचुएशन मानेंगे, व्हेन अ न्यू पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग एनी अमाउंट फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो यहाँ पर जो नया पार्टनर है वो अपनी गुडविल कैश में नहीं लेकर आ पा रहा है, और जब एक नया पार्टनर अपनी गुडविल कैश में नहीं लेकर आ पाता तो यहाँ पर फिर इस्तेमाल किया जाता है न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट। तो आप भी यहां पर लिखेंगे बाय करुणास करंट अकाउंट। अब बच्चे यहां पर उसकी गुडविल है कितने की, भाई टोटल फर्म की गुडविल है 24,000 और उसका शेयर है फर्म के अंदर 1/4, तो इसका मतलब वो लेकर आ रही है गुडविल 6,000 की। उसका जो शेयर ऑफ गुडविल है इसका मतलब वो कितना है 6,000 का। अब आपको 6,000 को कौन सी रेशो में बांटना है, हमने जनरल रिजर्व बांटा कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो में। अब ये जो न्यू पार्टनर्स गुडविल है ये कौन सी रेशो में बांटी जाएगी, भाई ये बांटी जाएगी सैक्रिफाइसिंग रेशो में। याद है ना कि सिर्फ एक न्यू पार्टनर की गुडविल ही होती है जो सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांटी जाती है। अब आपके पास सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या है, वही जो आपकी ओल्ड रेशो है, क्योंकि कोई और सिचुएशन थी नहीं। तो 3:1 में आप इस 6,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये आएगा आपका 4,500 और 1,500, ठीक है। उसके बाद आपने रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था, रीवैल्यूएशन से आपके पास क्या आया था, कुछ गेन आया था, तो वो गेन भी आप यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। और वो कितना कितना था 12,450 और 4,150, ठीक है। अब ये रीवैल्यूएशन अकाउंट भी आपने जो गेन डिस्ट्रीब्यूट किया कौन सी रेशो में किया है, ओल्ड रेशो में किया है। तो बच्चे सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है कि देखो आप क्या क्या चीजें ओल्ड रेशो में बांट रहे हो, क्या आप सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांट रहे हो। अब उसके बाद हमें क्या करना है, क्योंकि हमारा जो नया पार्टनर है वो भी अपनी कैपिटल लेकर आया है, तो बाय बैंक अकाउंट के नाम से हम उसकी कैपिटल को यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं 60,000 से। तो हमने अपना सारा काम कर लिया है जो जो हमें करने का था। हमने बैलेंस ट्रांसफर किया, ओल्ड रेशो में जनरल रिजर्व बांटा, न्यू पार्टनर्स गुडविल हमने बांटी उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो में, हमने रीवैल्यूएशन का गेन ट्रांसफर किया और नए पार्टनर की कैपिटल को भी हमने एंटर कर लिया है। अब हमने बनाया था एक वर्किंग नोट और उस वर्किंग नोट से हमने कैलकुलेट किए थे कुछ बैलेंसेस। हमने निकाले थे 2 बैलेंस सीडी जो हमारे निकल कर आए थे 1,35,000, ये 45,000, और इसकी कैपिटल तो बच्चे सेम ही रहेगी क्योंकि ये तो न्यू पार्टनर ही है। तो ये हमने इनकी न्यू कैपिटल्स कैलकुलेट कर लिए हैं। अब आपको क्या करना है, दोनों साइड का टोटल करना है। अगर आप इस साइड का टोटल करो तो ये आ रहा है 74,450, वहीं पे कल्पना के डेबिट साइड का टोटल है 1,35,000, तो आपने यहाँ पे 1,35,000 लिखा, इधर भी आप 1,35,000 लिखेंगे, और डिफरेंस आ रहा है 60,550 का। ये काम तो हमने किया कल्पना के लिए। अब इसी तरीके से यही काम करना है आपको कनिका के लिए। कनिका का टोटल अगर मैं देखूं तो ऑब्वियसली इस साइड का टोटल ज्यादा बढ़ा रहा है। कनिका का इस साइड का टोटल था 88,150 और इधर 45 था, तो बड़ा टोटल ही लिखेंगे हम। तो जो डिफरेंस आया उसका वो निकल कर आया 43,150। हमारे जो न्यू पार्टनर है उसके टोटल में तो किसी भी तरीके का कोई डिफरेंस नहीं आएगा, उसका तो दोनों साइड का जो टोटल है वो एक जैसा ही रहेगा, तो वो हमने ऑलरेडी लिख दिया है। तो 43,150 इसका डिफरेंस आया है, 60,550 इसका डिफरेंस आया है। अब बात आती है कि इसको एडजस्ट कैसे करना है। अब यहाँ पे ये जो आपने 2 बैलेंसेस निकाले हैं ना, ये हैं आपके एक्सेस और शॉर्टफॉल। उन्होंने बोला था एक्सेस और शॉर्टफॉल अगर हो तो उसे आपको करंट अकाउंट से एडजस्ट करना है। अब ये एक्सेस और शॉर्टफॉल क्या है, अगर आपकी न्यू कैपिटल ज्यादा है आपकी ओल्ड कैपिटल से, इसका मतलब है आप डेफिसिट में, यानी कि शॉर्टफॉल है, आपको और पैसा लाना पड़ेगा फर्म के अंदर। बट वहीं पे अगर आपकी न्यू कैपिटल कम है आपकी ओल्ड कैपिटल से, तो ऐसे में आप उस सरप्लस की सिचुएशन में, यानी कि आपका पैसा है एक्सेस, तो वहां पर आप अपना पैसा जो है वो फर्म से ले जा सकते हो। तो इस डेफिसिट और सरप्लस को करने के हमारे पास 2 तरीके हैं, या तो हम इसे कैश और बैंक के थ्रू एडजस्ट कर सकते हैं, या हम इसे अपने करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन में उन्होंने यही काम हमें करंट अकाउंट के थ्रू करने के लिए कहा। तो यानी कि जहां भी आपका डिफरेंस निकला है वहां पर आप सीधे सीधे करंट अकाउंट लिख दो। तो यहाँ क्योंकि डिफरेंस निकला है कल्पना में, तो आप लिखेंगे यहाँ पे कल्पनास करंट अकाउंट, ठीक। ब्रैकेट में लिख देना बैलेंसिंग फिगर। इसी तरीके से यहाँ आपका निकला है बैलेंस किसका, कनिका का, तो यहाँ आप लिख देंगे कनिकाज करंट अकाउंट। यहाँ पे भी आप लिखेंगे इसे बैलेंसिंग फिगर क्योंकि आप इसे बैलेंस करके निकाल रहे हैं। अब मैम ये है क्या, बच्चे आपने अपने बैलेंसेस पहले से ही फाइंड आउट कर लिए थे, आपको आपकी जो न्यू कैपिटल है यहाँ पे पहले से ही पता थी, बट आपको ये नहीं पता था कि इस न्यू कैपिटल को करने के लिए हमें कितनी एडजस्टमेंट करनी होगी, तो वो एडजस्टमेंट आपने बैलेंसिंग फिगर से फाइंड आउट कर ली। अगर अब आपका बैलेंस इस साइड निकल कर आया तो ये है आपके लिए शॉर्टफॉल कि आपका पैसा कम पड़ गया था, आपकी न्यू कैपिटल ज्यादा थी आपकी ओल्ड कैपिटल से, तो आपको कुछ पैसा लेकर आना होगा। बट वहीं पर अगर आपका बैलेंस आपके डेबिट साइड में निकला तो ये है आपके लिए एक्सेस अमाउंट, यानी कि ये आपके लिए सरप्लस है, ये आपका सरप्लस है कि एक्स्ट्रा था, अब आप अपना वो पैसा लेकर जा सकते हैं। बट ये था आपके लिए एक डेफिसिट कि आपके पैसों की कमी थी न्यू कैपिटल को बनाने के लिए, तो आपको कैपिटल इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी। ठीक है, सो यहाँ पर हमने एडजस्टमेंट किया करंट अकाउंट के थ्रू। अगर क्वेश्चन कैश के थ्रू बोलता तो यहीं पर कैश इधर आ जाता और इधर भी आ जाता, मीन्स जहां पे भी डिफरेंस आएगा वहां पर आपको या तो कैश या करंट अकाउंट यूज करना है। क्वेश्चन स्पेसिफाई खुद ही कर देता है कि कैश लिखना है या करंट अकाउंट लिखना है। ठीक है बच्चे, सो बच्चों ये था हमारा एडजस्टमेंट का कैपिटल अकाउंट, जहां पर ये 1, 2, 3 ये 3 ट्रांजेक्शन्स की तरफ ही आपको ज्यादा ध्यान देना है कि आपको कब करंट अकाउंट का इस्तेमाल करना है, कब कैश अकाउंट लिखना है, न्यू कैपिटल्स यहाँ पर लिखी जाती हैं। अदरवाइज बाकी सब कुछ तो वही था जो आपने पहले से ही पढ़ा हुआ है, तो आप इसको एज इट इज मैं तो कहूंगी कॉपी करिए, हर एक चीज लिखिए, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे हर एक चीज लिखी है आप भी उसी तरीके से हर एक चीज लिखो, हाईलाइट करो अलग अलग कलर के पेन से, ताकि जब आप बाद में इसका रिविजन करने बैठे तो आपको एक एक चीज पूरी डिटेल में वहीं पर ही समझ में आए। आपका लिखा हुआ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए कि जो आपने लिखा है वो खुद ही आपको बताता हो कि आपने क्या किया है और कैसे किया है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, टाइम लगता है फर्स्ट क्वेश्चन को करने में भी समझाने में भी, तो कोई बात नहीं टाइम लगा है लेकिन हमारा कंसेप्ट पूरा क्लियर हुआ है। ठीक है, आपने देखा होगा कि मैं आपको कोई भी अगर क्वेश्चन कराती हूँ तो उसमें हर एक चीज बहुत डिटेल में समझाती हूँ, क्योंकि मैं ऐसे समझा रही होती हूँ कि आपको एक ही क्वेश्चन से सारे क्वेश्चन का जो बेस है वो समझ में आ जाए। आपने एक क्वेश्चन किया लेकिन उस एक क्वेश्चन को समझ कर आप हर तरीके का क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो। तो बच्चे आपको उसी तरीके से इसको कॉपी करना है, एज इट इज करिए, और इसके बाद हम बनाते हैं फिर इसकी बैलेंस शीट। तो चलिए बच्चों अब फटाफट से बैलेंस शीट बना लेते हैं। तो हमारी बैलेंस शीट है 1 अप्रैल की, आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन हम बनाने जा रहे हैं इसको। मैंने वो सारी चीजें लिख दी हैं जो ऑलरेडी बैलेंस शीट में हमारे पास थी, क्योंकि हमारी पुरानी बैलेंस शीट ही हमारी न्यू बैलेंस शीट का बेस बनाती है। तो सबसे पहले हमारे बैलेंस शीट में लिखे हुए थे हमारे कैपिटल अकाउंट्स, तो क्या अब अपने पुराने कैपिटल के बैलेंसेस आप यूज करेंगे? नहीं, अब आप यूज करेंगे अपने न्यू बैलेंसेस जो कि थे आपके 1,35,000 कल्पना के लिए, 45,000 कनिका और 60,000 की कैपिटल थी करुणा की। तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म हमारी बनी थी 2,40,000। उसके बाद क्वेश्चन में हमारे पास जनरल रिजर्व था, वो तो हमने बांट दिया तो वो दोबारा हमें नहीं शो करना है। क्रेडिटर्स से रिगार्डिंग हमारे पास कुछ एडजस्टमेंट थी। अब बच्चे एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू जब आप लिखेंगे तो एक बार आप नजर डाला करो अपने रीवैल्यूएशन पे कि आपके रीवैल्यूएशन में कोई वैल्यूज चेंज हुई भी है। तो वहां देखो आपने क्रेडिटर की वैल्यू चेंज किया, आपने लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू चेंज करी है, प्लांट एंड मशीनरी की चेंज करी है, आपने प्रोविजंस की वैल्यू चेंज करी है। तो आपको इन चीजों को ध्यान में रखते हुए बैलेंस शीट बनानी है। तो क्वेश्चन में था कि क्रेडिटर्स जो थे वो 1,200 रुपए के आपको नहीं देने थे, तो 1,200 रुपए से आपके क्रेडिटर्स हो गए थे कम। तो यहाँ पर आपके क्रेडिटर्स बचे थे फिर 68,800 के। ठीक है, उसके बाद लायबिलिटी साइड का काम हो चुका है। एसेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग की अगर मैं बात करूं तो लैंड एंड बिल्डिंग आपकी हो गई थी अब 65,000 की, तो वो आप एज इट इज 65 लिखोगे। प्लांट एंड मशीनरी आपकी 60,000 की हो चुकी थी, क्योंकि क्वेश्चन में एट लिखा है इसलिए मैं डायरेक्टली अमाउंट प्लेस कर रही हूँ। अगर बाय लिखा होता तो पहले मैं यहाँ पे रिवाइज्ड वैल्यू कैलकुलेट करती। स्टॉक में कोई चेंजेस नहीं आए थे, रिवैल्यूएशन में नहीं दिख रहा हमें स्टॉक। डेटर्स 35,000 के थे, लेकिन यहाँ पे प्रोविजन जो है वो 400 रुपए से कम हो गया था, तो हमारे पास 600 रुपए का प्रोविजन बचा। तो डेटर्स भी हो चुके थे हमारे 34,400 के। इन्वेस्टमेंट में कोई चेंजेस नहीं आए थे 26,000। कैश में कोई चेंज नहीं आया 10,000। ठीक है, तो ये तो हुई हमारी पुरानी बैलेंस शीट की बात। बैलेंस शीट में जो जो भी था वो हमने लिख दिया, बट हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में और भी कुछ अकाउंट्स ओपन किए। जैसे कि सबसे पहले मैं अकाउंट की बात करूं तो मैंने यहाँ पे बैंक अकाउंट यूज किया। मैंने क्यों लिखा? क्योंकि ये मेरे न्यू पार्टनर की कैपिटल है। सपोज अगर गुडविल भी कैश में या बैंक के थ्रू अगर आप एंटर करते तो यहाँ पर आप उसका अमाउंट भी प्लस करके लिखते। उसके बाद हमारे पास आए करंट अकाउंट। अब करंट अकाउंट कहां कहां लिखे जाएंगे, मैंने आपको थर्ड चैप्टर में भी ये चीज समझाई थी कि जैसे कि करंट अकाउंट आपके पार्टनर्स कैपिटल में निकले हैं डेबिट साइड, तो डेबिट साइड वाले जो अकाउंट्स होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं क्रेडिट साइड में क्रॉस एंट्री, और आपको पता है कि लायबिलिटी साइड जो होती है वो आपके क्रेडिट साइड को रिप्रेजेंट करती है, विच मींस कि डेबिट साइड का करंट अकाउंट लायबिलिटी साइड में आएगा और आपके क्रेडिट साइड का करंट अकाउंट जो कहां ट्रांसफर होगा, डेबिट साइड में, यानी कि एसेट साइड में ट्रांसफर होगा। आप इतना भी ध्यान नहीं रख सकते, तो मैंने तो मेरे तो दूसरे पेज पे है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब आपने जस्ट इससे ऊपर ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया होगा, तो आपको जस्ट उसे नीचे शिफ्ट करना है। आपको क्या करना है, आपने जिस साइड में भी आपने अपना पार्टनर करंट अकाउंट ओपन किया है उसी साइड में उसे कहो कि नीचे शिफ्ट हो जाओ। इसी के ऊपर डेबिट साइड बनाई होगी ना, उसे कहो नीचे आ जाओ। तो यहाँ पर आपने इस साइड में सिर्फ कनिका का करंट अकाउंट यूज किया है, तो यहां पर आप लिख दोगे कनिकाज करंट अकाउंट, ठीक है, जो आया था आपका 43,150 का। तो आपने सीधे सीधे उसको नीचे शिफ्ट कर दिया है, नीचे बोलो नीचे वाले फ्लोर पर चले जाओ। ऐसे ही आपने इधर क्रेडिट साइड में दो करंट अकाउंट लिखे हुए हैं, एक करुणा का और एक कल्पना का, तो उसे भी बोल दो कि नीचे वाले फ्लोर पर चले जाओ। तो नीचे वाले फ्लोर पे जब वो नीचे वाले फ्लोर पे गए तो सबसे पहले करुणा का करंट अकाउंट हमें दिखा, तो सबसे पहले करुणा का करंट अकाउंट आया जो था 6,000 रुपए का, और इसी तरीके से कल्पना का भी करंट अकाउंट था हमारे पास 60,550 का। ठीक है भाई, तो बस हमने जो जो काम करना था वो तो कर लिया है, अब जस्ट हमें इसका टोटल करना है। सो बच्चों हमारा सपना हो गया है पूरा, हमारी हो गई है बैलेंस शीट मैच, हमारा दोनों साइड का टोटल आ रहा है ई। जो मैंने ग्रीन पेन से यहाँ पे चीजें लिखी हैं वो आपके लिए कैपिटल एडजस्टमेंट को शो करती हैं, तो इसलिए मैंने इसको अलग से हाईलाइट किया है, आप भी इसको इसी तरीके से कॉपी कीजिएगा। तो दोनों साइड हमारी मैच हो चुकी है, हमने देखा एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू चेंज हुई, हमने उनको रिवाइज्ड वैल्यू पे लिखा, कैपिटल अकाउंट्स जो न्यू थे हमने न्यू रिकॉर्ड करे, करंट अकाउंट्स जो एडजस्टमेंट की वजह से अराइज हुए हमने वो लिख दिए हैं, और बैंक अकाउंट में नए पार्टनर के हमने कैपिटल एडजस्ट कर दिए। ठीक है, सो बस यही करना था हमें, और आज हमने कंप्लीट की अपनी कैपिटल एडजस्टमेंट नंबर 1 जो थी न्यू कैपिटल, और आज हमने सीखा कि किस तरीके से न्यू कैपिटल फाइंड आउट की जाती है ओल्ड पार्टनर्स की, और ये सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है आपकी। सो बच्चों मैंने आपका एक ही क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है, अब चाहे कोई भी क्वेश्चन आप उठा लेना बुक का, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, और अगर प्रॉब्लम आती है तो मैंने आपको बता ही दिया है कि आप किस तरीके से अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मुझसे ले सकते हैं। आप मुझे अपने डाउट्स करो, इंस्टाग्राम पे डीएम करो, या फिर कमेंट बॉक्स में लिख दो कि कौन से पेज नंबर का कौन सा क्वेश्चन आपको डाउट अराइज कर रहा है, तो मैं आपको उसका सोल्यूशन जरूर प्रोवाइड करूंगी। ठीक है बच्चे, सो प्रैक्टिस जरूर करिएगा इस एडजस्टमेंट की, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम एडजस्टमेंट नंबर 2 पढ़ेंगे। ठीक है, सो मिलते हैं बच्चों आपसे नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।